Hello, my dear students. Welcome to your computer class. It's second chapter of your computer book, Introduction to Windows 7. As you can see, given below are the icons of some of the commonly used operating system. Operating system is a commonly used case iOS, macOS, Linux, Windows, Microsoft Windows, Android and Ubuntu. ये जो है operating system है. As the heart is important for the human body, so is the operating system for the computer. जैसे कि इंसान के लिए हार्ट की ज़रूरत होती है, वैसे ही कंप्यूटर को एक ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है वो चलने के लिए. ओके, तो इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर का हार्ट कहते हैं. एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर दैट इज नेसेसरी फॉर द कंप्यूटर सिस्टम टू ऑपरेट. एक ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर के लिए बहुत आवश्यक है उसको चलने के लिए. कंप्यूटर को इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यू एंड द कंप्यूटर. यू मीन्स जो कंप्यूटर चलाता है और कंप्यूटर बीच में वो एक इंटरफेस के तरह काम करता है. It manages all the hardware and software on a computer and makes them work together. Hardware जो है computer का, जैसे कि keyboard, mouse, उससे software के साथ वो क्या करता है, manage करता है सारे चीज़ को. Microsoft Windows is an example of an operating system that runs on most desktop computers and laptops. जो भी हमारा computer और laptop है, basically सारे लोग Microsoft Windows जो Windows operating system को use करते हैं. Some other common operating systems are iOS, Mac OS, Linux, Android and Ubuntu. Okay, so हम इस चैप्टर में सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के बारे में पढ़ेंगे. तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और सिंपली विंडोज इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स. इट इज ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जिसको हम शॉर्ट में GUI कहते हैं. बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम दिस मीन्स इट प्रोवाइड्स आइकॉन्स, मेनूज, डायलॉग बॉक्सेस एक्सेट्रा टू गिव कमांड्स टू द कंप्यूटर. कंप्यूटर को कमांड देने के लिए सारे जो आइकन, मेनूज और डायलॉग बॉक्सेस वगैरह वो देता है. यू नीड नॉट टाइप द इंस्ट्रक्शंस, जस्ट क्लिक एन आइकॉन टू मेक द कंप्यूटर डू ए टास्क. जो भी टास्क आपको कंप्यूटर को देना है, सिर्फ एक आइकन पे आपको क्लिक कर देना है, ज़्यादा कुछ टाइप नहीं करना है. तो हम अभी इस पिक्चर में देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को, विंडोज़ का जो बहुत सारे वर्सन से. द फर्स्ट वर्सन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वाज विंडोज 1.0. ओके, व्हिच वाज रिलीज इन 1985 में वो रिलीज हुआ था. उसका फर्स्ट वर्सन जो है उसका नाम है विंडोज 1.0. ओके, लेटर मेनी वर्सन्स वर रिलीज्ड सच एज विंडोज 3.1, विंडोज 95, विंडोज XP, विंडोज Vista, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 8.1 एंड विंडोज 10 बीइंग द लेटेस्ट. अभी चल रहा है हमारा विंडोज 10. ओके, उस तरह से फास्ट से लेकर इतना सारा वर्सन से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को. आप पिक्चर में उसको
उसका लोगो देख सकते हो। हियर वील डिस्कस द विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम। हम इस चैप्टर में विंडोज 7 का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको डिस्कस करेंगे। द फास्ट वर्सन ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाय विलियम हेनरी गेट्स। ओके, जिनको हम बिल गेट्स के नाम से जानते हैं। ही इज द को फाउंडर एंड फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन USA। ओके, जो फास्ट वर्सन है विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम उसको डेवलप कौन किए थे ना, विलियम हेनरी गेट्स, जिसको हम बिल गेट्स के नाम से जानते हैं। ओके, अभी चलो स्टार्ट करेंगे विंडोज आवर विंडोज 7। ओके, यू स्विच ऑन द कंप्यूटर इट लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम। जब हम स्विच ऑन करेंगे कंप्यूटर को तो वो क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि विंडोज 7 है हमारा इस डिस्कशन का टॉपिक, उसको वो क्या करेगा, लोड करेगा इनटू द कंप्यूटर्स मेमोरी। ओके, कंप्यूटर मेमोरी को वो लोड करेगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बूटिंग। ये जो प्रोसेस है उसको बूटिंग बोलते हैं। आफ्टर द बूटिंग इज कम्प्लीट द फास्ट स्क्रीन यू सी ऑन द मॉनिटर इज द डेस्कटॉप। आप जो फास्ट जो देखेंगे मॉनिटर पे उसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप। ओके, माइक्रोसॉफ्ट रिलीज विंडोज 7 इन 2009 फॉर यूज ऑन डेस्कटॉप कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स बोथ एट होम एंड फॉर बिजनेस पर्पज। ओके, जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 का वर्शन 2009 में रिलीज हुआ था उसको कंप्यूटर और लैपटॉप में यूज़ करने के लिए। अभी हम डेस्कटॉप को डिस्कस करेंगे। द डेस्कटॉप इज द फास्ट स्क्रीन दैट अपीयर्स आफ्टर द बूटिंग प्रोसेस इज कंप्लीट। बूटिंग प्रोसेस जो है लोड करना, जो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के बाद जो स्क्रीन आपके सामने आएगा उसको हम बोलेंगे डेस्कटॉप। ओके, इट कंटेन थ्री पार्ट्स। उसका थ्री पार्ट्स होता है, नेमली टास्क बार, स्टार्ट बटन एंड आइकॉन्स। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, इन द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ दिस पिक्चर इट As you can see in this picture, here three icons. हम इसको आइकन बोलते हैं। तो यहाँ पे है हमारा स्टार्ट बटन, इतना छोटा सा यहाँ पे दिख रहा है, ये है हमारा स्टार्ट बटन। ओके, और इस एरिया को, ये जो एरिया है उसको हम टास्क बार बोलते हैं। ओके, थ्री जो पार्ट्स है हमारा डेस्कटॉप का उसको हम यहाँ पे देख रहे हैं। ये है आइकॉन्स, यहाँ पे स्टार्ट बटन, देन यहाँ पे हमारा टास्क बार। ओके, अब हम टास्क बार के बारे में ज़्यादा कुछ जानेंगे। तो चलिए टास्क बार के पास। तो ये है हमारा टास्क बार, इसको हम और एक पिक्चर में देखेंगे। ओके, सो लेट्स, हियर इज अ पिक्चर ऑफ टास्क बार। द टास्क बार इज अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के जो नीचे होता है हॉरिजॉन्टल बार उसको हम टास्क बार कहते हैं। इट हैज ए स्टार्ट बटन, उसका एक स्टार्ट बटन यहाँ पे जो है उसको हम स्टार्ट बटन कहते हैं। स्टार्ट बटन, मिडिल सेक्शन, ये जो पार्ट है उसका यहाँ पे मिडिल सेक्शन, देन नोटिफिकेशन एरिया एंड सोर्स डेस्कटॉप बटन। यहाँ पे है डेस्कटॉप, सॉरी नोटिफिकेशन एरिया, देन शो डेस्कटॉप बटन। यहाँ पे डेस्कटॉप बटन उसका जो है फोर पार्ट यहाँ पे दिख रहा है। एक है स्टार्ट बटन, देन
आवर मिडिल सेक्शन, यहाँ पे मिडिल सेक्शन, देन नोटिफिकेशन एरिया, देन शो डेस्कटॉप बटन हियर। ओके, तो स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन जो यहाँ पे है इट प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द टैक्स बार। व्हेन यू क्लिक ऑन दिस बटन द स्टार्ट मेनू अपीयर्स। ओके, जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो मेनू है स्टार्ट बटन का वो हमारे सामने आ जाएगा। द मिडिल सेक्शन ऑफ द टैक्स बार हैज़ मेनी बटन, जो मिडिल सेक्शन है टैक्स बार का उसका मेनी बटन, बहुत सारे बटन से। दिस बटन रिप्रेजेंट द प्रोग्राम्स दैट यू कैन ओपन क्विकली बाय जस्ट क्लिकिंग ऑन द बटन्स। ओके, आप रिसेंटली जो भी प्रोग्राम को ओपन कर चुके होंगे उसका उसका जो छोटा सा मिनिमाइज होकर वो यहाँ पे होगा। द टैक्स बार ऑल्सो शोज बटन्स फॉर द प्रोग्राम्स दैट आर रिसेंटली ओपन, रिसेंटली जो भी प्रोग्राम ओपन हो रहा होगा उसको वो शो करेगा। द नोटिफिकेशन एरिया, यहाँ पे है जो नोटिफिकेशन एरिया यहाँ पे। ओके, नोटिफिकेशन एरिया हैज ए क्लॉक दैट टेल्स द सिस्टम्स डेट एंड टाइम। ये क्या करता है, सिस्टम का जो डेट है और टाइम उसको बताता है। इट ऑल्सो कंटेन्स आइकॉन्स दैट शोज द स्टेटस ऑफ सर्टेन सिस्टम प्रोग्राम और कंप्यूटर सेटिंग। ओके, देन शोज डेस्कटॉप बटन, डेस्कटॉप बटन हियर डेस्कटॉप बटन इज प्रेजेंट द राइट कॉर्नर ऑफ द टास्कबार, टास्कबार का राइट कॉर्नर यहाँ पे है। यू कैन क्लिक दिस बटन टू मिनिमाइज ऑल द ओपन विंडोज एंड सी द डेस्कटॉप क्विकली। ओके, तो आज के लिए इतना ही, चलो कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर वन, आइडेंटिफाई एंड लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स इन द पिक्चर गिवन बिलो। ओके, दिया गया पिक्चर में जो है उसको सारी पार्ट को आइडेंटिफाई करके आपको उसका लेबल करना है, उसका नाम वहाँ पे दिखाना है। ओके, तो फर्स्ट ए आवर टास्क बार, टास्क बार कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपको दिखाना है टास्क बार, यहाँ पे लिखना है। ओके, टी ए एस के बी ए आर, आपको इसे ही लिखना है। तो बी बी है हमारा आइकॉन्स, आइकॉन्स कहाँ पे है, यहाँ पे है सारे आइकॉन्स, सो यहाँ पे आपको एरो मार्क करके लिखना है आइकॉन्स, आई सी ओ एन एस। ओके, देन आवर सी नोटिफिकेशन एरिया, नोटिफिकेशन एरिया जो है वो उसको आपको दिखा, तो आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन एरिया को यहाँ पे दिखाना है सी। ओके, देन डी डेस्कटॉप बैकग्राउंड, डेस्कटॉप का जो बैकग्राउंड, बैकग्राउंड तो सारी की सारी यहाँ पे बैकग्राउंड, तो यहाँ पे डेस्कटॉप बैकग्राउंड। देन ई शो डेस्कटॉप बटन, शो डेस्कटॉप बटन यहाँ पे राइट कॉर्नर, यहाँ पे द बॉटम यहाँ पे दिखाना है। ओके, सो इन दिस क्लास बस इतना ही, थैंक यू।